नमस्कार, गुरुग्राम मेट्रो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। आइए बुलेटिन में शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले बात करते हैं गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी बनाने को लेकर राउंड टेबल बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शिरकत की। HSII, DC और तमाम इंडस्ट्री लीडर इस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे और ग्लोबल सिटी को विकसित करने के लिए चर्चा की गई। इस बैठक में सरकार की तरफ से जो प्रारूप तैयार किया गया है उसे इंडस्ट्री लीडर्स के सामने रखा गया, वहीं उनसे सुझाव भी मांगे गए। इस ग्लोबल सिटी को और बेहतर किस तरह से विकसित किया जा सकता है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि गुरुग्राम में बनने वाली ग्लोबल सिटी आधुनिक सुविधाओं और उच्च तकनीक से लैस होगी। वहीं M3M इंडिया ग्रुप के डायरेक्टर ने प्रोजेक्ट की सराहना की। USP तो ये कह सकते हैं कि आइकॉनिक सिटी कैसे बने, इसलिए सुझाव लिए हैं। सुझाव के बाद महीने दो महीने में जिसको हम फाइनल करेंगे तभी उसमें से पता लगेगा USP क्या है। पहली USP तो यह है कि इसमें हम जो पहले से बने बनाए नॉर्म्स हैं उसकी बजाय जो डिमांड है लोगों की या जिस प्रकार के सजेशन आएंगे ऐसे इनपुट के आधार के ऊपर सारी प्लानिंग बनाएंगे। उस प्लानिंग में क्योंकि सारे इंटरनेशनल लेवल के लोग भी इसमें जुड़ेंगे, प्लानर जो हैं डिज़ाइनर वो इंटरनेशनल लेवल के भी हम लेकर के आएंगे, ताकि एक ऐसा आइकॉनिक सिटी जो देश में जाना जाए कि हाँ एक वर्ल्ड क्लास सिटी ये बनाई गई। ये इंटरेस्ट दिख रहा है और उस इंटरेस्ट में वो कहते हैं कि इस प्रकार का एक आइकन बनाएंगे तो सब लोग इसमें आकर के। अब सुझाव सबके अलग अलग हैं, प्लॉट साइज क्या होना चाहिए। अब कोई ये भी है कि 100-100 एकड़ के होने चाहिए, किसी ने कहा कि नहीं छोटे भी होने चाहिए। तो इसमें 100 एकड़, 50 एकड़, 25 एकड़, 5 एकड़ सब प्रकार के यानी प्लॉट्स की रचना करेंगे। वहाँ पर कोई हॉस्पिटल भी अच्छा होगा, कोई अच्छा स्कूल भी होगा, अच्छा यूनिवर्सिटी भी होगी, अच्छा वहाँ कोई एक स्टेडियम होंगे, कोई प्लेग्राउंड होंगे। तो इस प्रकार से वहाँ कोई ना कोई झील का, कोई फाउंटेन्स का एक प्लानिंग में बड़ी चीज़ें सब लगेगी। इन्वेस्टमेंट तो स्वाभाविक है, जब प्लानिंग बढ़िया बनेगी तो इन्वेस्टमेंट अपने आप आएगी, फॉरन इन्वेस्टमेंट भी आएगी। ओपन फॉर पब्लिक होगा, ओपन फॉर वर्ल्ड होगा, तो सबको कहेंगे। ये तो फिर बिजनेस मॉडल है उनके कि कौन आके इन्वेस्ट करेगा कौन नहीं करेगा। इसमें हम किसी पर्टिकुलर आदमी को सामने रख के नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितने टॉप प्लेयर्स हैं इसमें, चाहे अपने देश के हैं चाहे बाहर के हैं, हम सबको वर्ल्ड वाइड उसमें निमंत्रण देंगे, सब उसमें पार्ट लेंगे और जितने सहभागी बनेंगे उतना इसमें। तो इंटरनेशनल डिजाइनर जो है उसके लिए हम संपर्क करेंगे। फिर दुबई का एक फाइनल हो गया कि नहीं, आर्किटेक्ट कह रहे हैं एक इस प्रकार का हम सोचते हैं दुबई में भी, क्योंकि बहुत डेवलपर्स वहाँ हैं ऐसे, वहाँ भी एक इस प्रकार का डिस्कशन का वो रखेंगे ताकि इंटरनेशनल लेवल के लोग भी इसमें आ सकें। ऐसे एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। सरकार का बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है कि फर्स्ट टाइम एक इतनी बड़ी, इतनी ह्यूमंगस 1000 एकड़ की एक सिंगल डेवलपमेंट जो सरकार प्लान कर रही है, जिसमें पहली बार एक ये एक पार्टनरशिप हो रही है डेवलपर्स की और सरकार की, जिसमें आइडियाज एक्सचेंज किए जा रहे हैं कि ये शहर को एक बिल्कुल नया शहर, एक शहर के अंदर एक शहर कैसे बसाया जाए। तो ये बहुत ही ग्रेट 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 इनिशिएटिव है सरकार का। आज की बैठक सबके अच्छे आइडियाज़ आए, सबके अच्छे व्यू पॉइंट्स आए कि इसके लिए हमें ग्लोबल इंटरनेशनल मास्टर प्लानर लेना चाहिए, एक आर्किटेक्ट लेना चाहिए, हमें इसके प्रोजेक्ट के डूज एंड डोंट्स आज डिसाइड कर देने चाहिए। यहाँ तक ये डिस्कशन भी हुआ कि लैंड पार्सलाइजेशन कैसे होगा, उसकी ऑप्शन होनी चाहिए या राइट्स देने चाहिए डेवलपर्स को बनाने के लिए। सो आई थिंक जब ये प्रोजेक्ट निकल के आएगा, हालांकि ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये कम से कम 20 साल का प्रोजेक्ट है, जब ये प्रोजेक्ट निकल के आएगा तो मेरे ख्याल से गुड़गांव हमारा वर्ल्ड मैप पे जरूर होगा इस डेवलपमेंट के पास।